बचने के लिए रूम में हीटर जलाकर सो रहे थे माँ और बेटे की दम घुटने से हुई मौत। दिल्ली में घर से बुलाकर ले गए और चाकू से घोपकर कर डाली हत्या। दिल्ली में जमीन के टुकड़े के लिए पिता और भाई को फावड़े से काट कर मार डाला। अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली गाजियाबाद में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है जिसमें एक माँ और बेटे की मौत हुई है। घटना यह गाजियाबाद कवि नगर की है। बताया जा रहा है कि माँ संतोषी और उनके बेटे 16 साल मनीष की दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा और दोनों का पंचनामा कर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। नई दिल्ली में घर में बुलाकर ले गए और फिर चाकू घोपकर कर डाली हत्या। खून से लथपथ मिला युवक। यह वारदात गोविंदपुरी इलाके में शनिवार शाम 5 बजे लड़कों में कहासुनी के दौरान 23 साल के कृषि नाम के युवक को चाकू मारकर हत्या कर दी। घायल कृषि को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि ऋषि को 4 बार चाकू से वार किया गया। पुलिस ने इस मामले की जांच करने के बाद आरोपियों को हिरासत में ले गया। कलंकित होते हैं रिश्ते जहां जमीन टुकड़ों के लिए पिता और भाई को फावड़े से काट डाला। यह वारदात दिल्ली सटे गाजियाबाद में दिल दहला देने वाला ऐसा प्रकरण सामने आया है। गाजियाबाद के निखाड़ी में 23 दिसंबर को एक पिता और पुत्र के फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई। गाजियाबाद पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया है। मामले में एक मृतक प्रीतम सिंह के बड़े बेटे को गिरफ्तार किया गया है। जायदाद को लेकर हुआ था विवाद। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी आप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल